हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। मैं पहले फिर से एक नई वीडियो लेकर चुका हूँ गाइस, रियलमी के C30S फ़ोन के बारे में। एंड उसके अपने टॉपिक बना रहे गाइस, जो है डिवाइस एंड नोटिफिकेशन के बारे में अपन बात करेंगे गाइस। जैसे कि आप अपने फ़ोन के डिवाइस के ऐप रहते हैं, उनसे नोटिफिकेशन काफ़ी ज़्यादा परेशान करते हैं। फोन में नोटिफिकेशन आया हुआ है इसके बाद में मेरे डिवाइस के ऐप से, अगर आप इस प्रकार के ऐप से काफ़ी ज़्यादा परेशान है तो आप नोटिफिकेशन किस प्रकार से ऑफ कर पाएंगे, मैं आपको अच्छी वीडियो में बताने वाला हूँ गाइस। चलिए, बात करने से पहले आप हमारे वीडियो को लाइक कर लीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिए। अब हम चलते हैं फोन की सेटिंग में और बात करते हैं टॉपिक के बारे में गाइस। सबसे पहले आपको देखिए सेटिंग को ओपन करना है एंड गाइस यहाँ पर देखिए थर्ड नंबर पर ऐप एंड नोटिफिकेशन का ऑप्शन मिलेगा, आप इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन मिल जाएगा नोटिफिकेशन का, आप इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए डिवाइस एंड ऐप नोटिफिकेशन का ऑप्शन मिलेगा, कंट्रोल सीरीज ऐप एंड डिवाइस के रीड नोटिफिकेशन, आप इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको देखिए पूरे डिवाइस के नोटिफिकेशन के अपने डिवाइस के ऐप मिल जाएंगे जिनका आपको नोटिफिकेशन को ऑफ करना है। सिंपली आपको देखिए जिनका डिवाइस को ऑफ करना है, नोटिफिकेशन को ऑफ कर देंगे, टर्न ऑफ कर देंगे, जो डिवाइस से बंद हो जाएगा। किसी को मैंने अपने फोन में गूगल प्ले सर्विस का ऑप्शन को ऑफ कर दिया है एंड गूगल के ऑप्शन को भी मैंने ऑफ कर दिया है। ऐप नोटिफिकेशन को ऑफ कर दिया है तो आप भी इस प्रकार से कर सकते हैं। एंड सेटिंग में चले गए वीडियो को लाइक कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक का। तब तक बाय।